हेलो एवरीवन वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके सारे एग्जाम्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉपिक का नाम है डिसीजेस ओके okay? तो बायोलॉजी से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में देखा जाता है तो आज की वीडियो में हमने टॉप फिफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में कवर किया है मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है ना सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है जॉन्डिस जॉन्डिस इज ड्यू टू द ऑफ जिसको हम हिंदी में पीलिया के नाम से जानते हैं ये हमारे किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है ये आपको बताना है राइट तो देखिए ये हमारे बॉडी के लिवर को अफेक्ट करता है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिवर राइट तो आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे नॉर्मल स्किन जब होती है तो ये कुछ इस तरीके से होती है बट जब जॉन्डिस होता है तो उस टाइम पे हमारे फेस का या फिर जो बॉडी का कलर है लाइट येलोइश हो जाता है और ये येलोइंग क्यों होता है ये होता है एक पिगमेंट जिसका नाम है बाइलोरुबिन उसकी वजह से ओके तो और ये कहाँ पे रिलीज होता है ये लिवर में रिलीज होता है तो इसकी वजह से ये इन्फेक्शन जो है ना इफेक्ट करता है हमारे लिवर को तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है राइट इसके साथ यहाँ पे कुछ और डिसीज के बारे में डिस्कस करते हैं ये कौन से हमारे बॉडी पार्ट को अफेक्ट करते हैं और कौन से बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होते हैं ठीक है तो पहला आ रहा है यहाँ पे क्या है कोलेरा तो कोलेरा देखिए फ्रेंड्स ये होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है विब्रियो कोलेरा इसकी वजह से और ये हमारे बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको अफेक्ट करता है ओके नेक्स्ट है ट्यूबरकुलसिस ट्यूबरकुलसिस होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से और हमारे बॉडी पार्ट किसको ये अफेक्ट करता है लंग्स को ये अफेक्ट करता है नेक्स्ट है यहाँ पे एड्स एड्स फ्रेंड्स ये होता है ड्यू टू रेट्रो वायरस इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे एच आई वी वायरस होता है उसकी वजह से ये होता है और ये हमारे बॉडी के पूरे इम्यून सिस्टम को जो है अफेक्ट करता है फोर्थ रहेगा रुबेला ठीक है तो फ्रेंड्स रुबेला वायरस होता है जो हमारे बॉडी के रेस्पिरेटरी पैसेज आईज स्किन को अफेक्ट करता है फिफ्थ है यहाँ पे चिकन पॉक्स तो चिकन पॉक्स में क्या होता है ये स्किन रैश कॉज करता है और हमारे यहाँ पे किस बैक्टीरिया की वजह से ये होता है वायरस की वजह से होता है ये वर्सेला जॉस्टर की वजह से होता है ओके तो आई होप आपको क्लियर है सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ना ये टेबल में ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओके तो बैक्टीरिया का नाम भी याद रखना है किस बॉडी पार्ट को ये अफेक्ट कर रहा है इसको भी याद रखना है तो जॉन्डिस अभी हमने डिस्कस किया जॉन्डिस हमारे किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट कर रहा था तो ये हमारे बॉडी के लिवर को अफेक्ट करता है और इसमें बॉडी क्या हो जाती है लाइट येलोइश कलर की हो जाती है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे आपका अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यूजली स्प्रेड्स थ्रू एयर तो इनमें से कौन सा ऐसा डिसीज है जो कि हवा से फैलता है ये आपको बताना है ठीक है तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्यूबरक्लोसिस ठीक है ट्यूबरक्लोसिस होता है एयर की वजह से देखिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में इसके साथ फ्रेंड्स टीबी के अलावा जो है मीजल्स जो होता है ना ये भी एयर बॉर्न डिसीजेज है तो यहाँ पे आप डिस्कस याद रखिए कि मीजल्स और ट्यूबरक्लोसिस जो है ना ये दोनों एयर बॉर्न डिसीजेस हैं साथ में देखिए ट्यूबरक्लोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिसीज टूबर right? हमारे कौन से बॉडी पार्ट अफेक्ट होते हैं लंग्स अफेक्ट होते हैं ठीक है और साथ में ये होता है ड्यू टू माइको बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस तो ये बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से ट्यूबर क्लोसिस होता है तो आई होप आपको क्लियर है चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिसीजे आर कॉज बाय मस्कीटोज तो मस्कीटोज से काफी सारे डिसीजेस होते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है मतलब सही पेयर कौन सा है ओके तो यहाँ पे इसका राइट right आंसर देख लीजिए सबसे पहले तो मलेरिया ये सबको पता है मलेरिया होता है ड्यू टू मस्कीटोज ओके और साथ में डेंगू डेंगू भी होता है ड्यू टू तो मस्कीटोज इसके अलावा जो है ना फ्रेंड्स चिकनगुनिया जो होता है ये भी ड्यू टू मस्कीटोज होता है ठीक है मच्छर की वजह से ये तीन डिसीज है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तो मस्कीटोज की वजह से कौन कौन से डिसीजेस होते हैं इसके बारे में डिस्कस करें यहाँ पे देखिएगा मलेरिया ठीक है मलेरिया होता है ड्यू टू मस्कीटो इसके साथ डेंगू होता है चिकनगुनिया होता है येलो फीवर इसके साथ वेस्ट नाइल वायरस और साथ में ईस्टर्न इक्वीन एंड सफ्लाइटिस ओके तो ये कुछ डिसीजेज हैं जो आपको याद रखने हैं और जो होते हैं ड्यू टू मस्कीटोज साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लीजिए डेंगू जिसके बारे में बात कर रहे थे हम ये एक मस्किटो बॉन्ड वायरल इन्फेक्शन है जो कि फ्लू लाइक इलनेस करता है हमारे बॉडी में ठीक है फ्लू होता है इससे मलेरिया भी होता है ड्यू टू मस्किटोज और ये फ्रेंड्स किसकी वजह से होता है मस्किटो का एक पर्टिकुलर नाम है इसमें कौन सा मस्किटो रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल एनाफिलस मस्किटो इसकी वजह से मलेरिया होता है तो आपको ये मस्कीटो का नाम भी याद रखना है एग्जाम में काफी बार आपसे डायरेक्टली जो है ना ये मस्कीटो का नाम पूछा जाता है राइट right? नेक्स्ट चिकनगुनिया की बात करें तो अगेन ये एक ऐसा डिजीज है जो मस्कीटोज की वजह से होता है और यहाँ पे कौन से मस्कीटोज रिस्पॉन्सिबल हैं सीडिस इजिप्टी और साथ में एडिस एल्बोपिक्टज तो ये कुछ मस्कीटोज हैं जो कॉज करते हैं चिकनगुनिया नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे एच है ना अभी हमने डिस्कस किया था एड्स होता है ड्यू टू एच एच का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस और ये एक ऐसा वायरस है फ्रेंड्स जो हमारे बॉडी के सेल को अफेक्ट करता है जो बॉडी के मतलब जो ऐसे सेल्स को ये अफेक्ट करता है जो हमारे बॉडी के इन्फेक्शंस को रोकते हैं तो उनको ये अफेक्ट करता है तो टोटली तो हमारे इम्यून सिस्टम को जो है ये खराब करता है अफेक्ट करता है नेक्स्ट है टाइफॉइड तो टाइफॉइड भी फ्रेंड्स होता है ड्यू टू तो सालमोन एला टाइफॉइड तो ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है और ये क्यों होता है ड्यू टू कंटामिनेटेड वाटर या फूड ठीक है गंदा पानी और जो भी कंटामिनेटेड फूड होगा उसकी वजह से टाइफाइड होता है लास्ट यहाँ पे है फ्रेंड्स कोलेरा तो कोलेरा की बात करें तो ये एक डायरिया का एक टाइप है ये होता है ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ फूड या फिर कंटामिनेटेड वाटर किस बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड होता है ये वाटर विब्रियो कोलेरा राइट तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस किया है जो भी डिसीज है उसको डिस्कस किया जिटिव एजेंट है ना किसकी वजह से ये हो रहा है ये हमने डिस्कस किया जैसे वायरस है बैक्टीरिया है मोस्किटो है ये आपको यहाँ पे याद रखना है और साथ में कौन से बॉडी पार्ट को ये अफेक्ट कर रहे हैं ये सारे पॉइंट्स आपको हर एक क्वेश्चन के अच्छे से याद रखते चलना है राइट तो आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर है चलिए आगे बढ़ेंगे आपका अगला क्वेश्चन रहेगा एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंजरी इज ऑफ तो देखिए फ्रेंड्स जैसे कोई भी चोट लगती है है ना तो चोट लगने के दौरान जब एक्सेसिव होती है तो ये किसकी डिफिशियंसी की वजह से होती है तो जब हमारे बॉडी में ना जब विटामिन के की कमी होती है, होती है है तब एक्सेसिव ब्लीडिंग तो तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स ये एक विटामिन डिफिशियंसी है तो विटामिन से रिलेटेड जो भी डिफिशियंसी हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे तो देखिए पहला है विटामिन ए इसकी कमी से क्या होता है या फिर लॉस ऑफ विजन या फिर आप कह सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस होता है यहाँ पे ठीक है तो जो भी आई रिलेटेड होता है ना ये होता है ड्यू टू तो विटामिन ए के कमी से विटामिन बी वन की बात करें तो इससे बेरी बेरी होता है तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद रख सकते हैं बी तो बेरी बेरी है ना तो ये एक छोटा सा जस्ट ट्रिक है आपको याद रखने के लिए जहां पे सिम्टम्स वीक मजल्स हो जाते हैं विटामिन सी की बात करें तो इसके डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है जहाँ पे सिम्टम्स होते हैं ब्लीडिंग गम्स विटामिन डी की कमी से क्या होता है रिकेट्स और ये काफी एग्जाम में देखे जाते हैं और यहाँ पे सॉफ्ट एंड बेंड बोन्स हो जाते हैं नेक्स्ट बात करें कैल्शियम की कमी से क्या होता है यहाँ पे बोन एंड टूथ डीके होता है तो यहाँ पे बोन्स जो होते हैं वीक हो जाते हैं नेक्स्ट बात करें आयोडीन तो फ्रेंड्स विटामिन डी के साथ ना ये क्वेश्चन भी काफी देखा जाता है एग्जाम में आयोडीन की कमी से क्या होता है यहाँ पे होता है गोइटर ये यह आप यहाँ पे याद रखें ठीक है जहाँ पे क्या होता है स्वोलन ग्लैंड इन द नेक और लास्ट यहाँ पे रहेगा हमारा आयरन आयरन की कमी से क्या होता है एनीमिया होता है जहाँ पे ब्लड की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में और यहाँ पे ये वीकनेस कॉज करता है तो ये है कुछ विटामिन कैल्शियम आयोजन को भी डिस्कस किया है जहां पे कौन कौन से डिफिशियंसी डिसीज हो रहे हैं ये अभी हमने यहाँ पे क्लियर किया ओके चलिए अगला क्वेश्चन है बॉट्यूलिज्म बाई तो बॉट्यूलिज्म एक डिसीज है आपको बताना है किस बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होता है तो ये होता है ड्यू टू क्लॉस्ट्रीडियम की वजह से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है तो देखिए तो पहला तो ब्लड विजन है ना इसके साथ मजल वीकनेस होता है प्रॉब्लम्स इन यूरिनेटिंग या फिर कॉन्स्टिपेशन एबडोमल डिजेंशन नोजिया वॉमिटिंग डिफिकल्टी तो ये सब कुछ सिम्टम्स होते हैं बॉट्यूलिज्म चलिए अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द गिवन डिसीज इज कॉज बाई प्रोटोजोआ तो प्रोटोजोआ से इनमें से कौन सा होता है तो फ्रेंड्स इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मलेरिया तो अदर प्रोटोजुआस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं अमिबिया सीलियरी डिसेंट्री मलेरिया अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और साथ में काला आजार तो ये कुछ ऐसे डिसीजेस है फ्रेंड्स जो होते हैं ड्यू टू प्रोटोजोआ राइट चलिए आगे बढ़ेंगे तो बाकी जो आपने यहाँ पे ऑप्शन देखा है ना डिप्थेरिया कुलेरा निमोनिया इसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे तो फ्रेंड्स डिप्थेरिया किसकी वजह से होता है ये होता है ड्यू टू तो एक बैक्टीरिया जिसका नाम होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया ठीक है तो ये ऐसा बैक्टीरिया है जो डिप्थेरिया कॉज करता है ओके कोलेरा किसकी वजह से होता है तो कोलेरा फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया ये एक फॉर्म ऑफ डायरियल इन्फेक्शन है जो होता है ड्यू टू कंटामिनेटेड वाटर राइट और इसमें कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है तो ये होता है विब्रियो कोलेरा ओके नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स न्यूमोनिया तो न्यूमोनिया जो होता है ये इन्फेक्शन होता है लंग्स में इन्फेक्शन इन लंग्स और ये किसकी वजह से होता है ये बैक्टीरिया नहीं वायरस की वजह से होता है ओके तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं तो यहाँ पे अगेन वही चीज जो अभी हमने बताया कि यहाँ पे हमने आपके लिए मैंशन किया है ओके फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस ऑर्गन आर अफेक्टेड बाई मलेरिया तो इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था मलेरिया फ्रेंड्स ये एक प्रोटोजन डिसीज है जो होता है ड्यू टू मस्कटो ओके कौन से की वजह से होता है ये होता है ड्यू टू फीमेल एनाफील मस्कीटो राइट तो आप यहाँ पे ये पॉइंट याद रखें और फ्रेंड्स मलेरिया में क्या होता है हमारे बॉडी का किडनी अफेक्ट होता है किडनी के साथ लिवर भी अफेक्ट होता है और स्प्लीन भी अफेक्ट होता है अगर ऑप्शन में इसके अलावा आपको ये दिया होता हो तो आप इसको टिक करें ओके चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मलेरिया इज कॉज बाई पैरासाइट दैट आर ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू द बाइट ऑफ इंफेक्टेड फीमेल तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया साथ में मलेरिया कैन डैमेज द किडनी लिवर और कॉज द स्प्लीन टू रप्चर तो यहाँ पे किडनी लिवर और स्प्लीन जो है सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं साथ में यहाँ पे सिम्टम्स देख लीजिए मलेरिया के क्या होते हैं स्किन चिल्स या फिर स्वेटिंग होती है ड्राई कफ एलार्जमेंट होता होता है है या बैक पेन फीवर होता है हेडेक होता, होता है तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के चलिए आगे बढ़ेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ड्रॉप्सी डिसीज द गिवन सब्सटेंस तो ड्रॉपसी डिसीज ये किसकी वजह से होता है ये होता है ड्यू टू मस्टर्ड ऑयल तो ऑयल तो, की वजह से ये डिसीज होता है जिसका नाम है ड्रॉपसी डिसीज नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका डायरिया इज कॉज बाई विच ऑफ द गिवन वैक्टर्स तो डायरिया है ना तो फ्रेंड्स ये किसकी वजह से होता है ये होता है ड्यू टू रोटा वायरस ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट right आंसर है फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा हिस्टेरिया इज अ डिसीज कॉमनली फाउंड इन विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन तो हिस्टेरिया ओके ये एक ऐसा डिसीज है इसके बारे में अभी आगे डिस्कस करते हैं ये किसको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है तो ये यंग वुमेन को अफेक्ट करता है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे हिस्टेरिया इज डिसीज कॉमनली फाउंड इन यंग वुमेन ठीक है यंग वुमेन में ये पाया जाता है इट इज अ जेनाइटल्स एंग्जाइटी डिस्कम्फर्ट और फेटनेस तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं हिस्टेरिया के नेक्स्ट नेम द डिसीज कॉज बाई स्वेलिंग ऑफ मेमब्रेन ओवर द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन तो आपको ऐसा एक डिसीज का नाम बताना है जो क्या कॉज करता है स्वेलिंग कॉज करता है ओवर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेनिनजाइटिस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बात करते हैं इस डिसीज के बारे में डिटेल में देखिए मेनिनजाइटिस जो है ना एक ऐसा डिसीज है जो कॉज करता है किसकी वजह से होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो मेम्बर मेंब्रेन होते हैं ना इनको ये अफेक्ट करता है मेनिनजाइटिस इस वजह से कॉज होता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया था आयोडीन की कमी से होता है friends, goiter. Right answer हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट की वजह से होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है रिकेट्स किसकी कमी से होता है ये विटामिन डी के कमी से होता है तो यहाँ पे आप देखिए यहां पे ये जो इस एरिया में जो है स्वेलिंग आ जाती है ड्यू टू गोइटर ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द गिवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इटाई इटाई डिसीज तो इटाई इटाई डिसीज ये किसकी वजह से होता है यहाँ पे ये होता है ड्यू टू कैडमियम राइट तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है तो यहाँ पे कुछ ऐसे डिसीज डिस्कस कर लेते हैं जो किसी एलिमेंट की वजह से होते हैं ठीक है थीके? तो कैडमियम तो अभी हमने डिस्कस कर लिया ये होता है इससे इटाई इटाई ठीक है नेक्स्ट देखिए मर्क्यूरी इसकी वजह से क्या होता है मीना माटा डिसीज होता है आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फूट होता है और नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रेम होता है तो ये सब आप यहाँ पे याद कॉल्ड the तो, तो उसको हम क्या कहते हैं जैसे फ्रेंड्स आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कोविड नाइनटीन का ये क्या था ये एक पैंडेमिक था तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए तीन टाइप होते हैं फ्रेंड्स एक होता है एपिडेमिक एक होता है पैंडेमिक और साथ में एक है एडेमिक ठीक है तो ये तीन टाइप है यहाँ पे देखिए एपिडेमिक में क्या होता है ये एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है एक एरिया के पर्टिकुलर पॉपुलेशन को कोई अफेक्ट हो डिसीज तो उसे हम एपिडेमिक कहते हैं नेक्स्ट पैंडमिक की बात करें तो फ्रेंड्स पैंडेमिक जब पूरे हर एक कंट्री में जब पूरे वर्ल्ड में जो है ना कोई डिसीज स्प्रेड हो उसको हम पैंडेमिक कहते हैं और एंडेमिक क्या होता है कोई ऐसा डिसीज या कंडीशन यहाँ पे देखिए अ डिसीज और कंडीशन प्रेजेंट अमंग पॉपुलेशन एट ऑल टाइम्स तब कोई भी डिसीज या मतलब कुछ डिसीज हो जो हर टाइम प्रेजेंट हो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में उसे हम कहते हैं एंडेमिक तो आई होप आपको ये तीनों का डिफरेंस क्लियर है चलिए अगला क्वेश्चन इन्फ्लुएंजा इज कॉज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंजा ये किसकी वजह से होता है ये होता है ड्यू टू वायरस तो साथ में देखिये कुछ और यहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्यूबरक्लोसिस हमने डिस्कस किया है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है कौन सा बैक्टीरिया माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा ये वायरस की वजह से होता है फ्रेंड्स नेक्स्ट है फंगल इन्फेक्शन ये फंगल की वजह से मलेरिया होता है प्रोटोजोन तो यहाँ पे ये मस्कीटो की वजह से होता है कौन से मस्कीटो फीमेल मस्कीटो की मलेरिया होता है तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिले कैलमीट यूरिन इज अ वैक्सीन फॉर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीसीजी भी कहते हैं फ्रेंड्स और बीसीजी जो है ना ये वैक्सीन है ट्यूबर क्लियोसिस का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए कुछ वैक्सीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो चिकन पॉक्स का जो वैक्सीन है ना ये है वेरसेला वैक्सीन मीजल और रुबेला के लिए एम एम आर वैक्सीन यूज किया जाता है पोलियो के लिए यहाँ पे ओरल पोलियो वैक्सीन आती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आती है हेपेटाइटिस है, के लिए हेपेटाइटिस बी नाम से ही वैक्सीन होती है और साथ में ट्यूबर क्लोसिस के लिए बीसीजी वैक्सीन को यूज किया जाता है नेक्स्ट नेम द बैक्टीरिया दैट कॉजेज डिसेंट्री तो इनमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो डिसेंट्री कॉज करता है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुजे राइट अगला क्वेश्चन वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैक्सीन तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए वैक्सीन इनमें से कौन सा नहीं है बताना है आपको देखिए बीसीजी अभी हमने डिस्कस किया था टीबी का ये वैक्सीन है पोलियो वैक्सीन ये दो टाइप के होते हैं एक आता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और एक क्या होता है एक होता है यहाँ पे ओरल वैक्सीन ठीक है में एंटी ये rabis के लिए वैक्सीन है बट प्रोजेस्ट जो है ना ये कोई वैक्सीन नहीं है तो ये एक फीमेल हार्मोन है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पे नॉट वैक्सीन पूछा था आपसे तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स इसका राइट right आंसर है अगला क्वेश्चन देखिए द डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन मैन रिजल्ट इन तो जब किसी के बॉडी में आयरन की कमी हो तो उसकी वजह से कौन सा यहाँ पे डिसीज होता है तो ये होता है एनीमिया तो ऑप्शन नंबर ए इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा एनेमिया होता है ड्यू टू तो ऑफ आयरन नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से स्कर्वी विटामिन सी की कमी से और रिकेट्स होता है ड्यू टू तो विटामिन डी के कमी से ओके नेक्स्ट विच वैक्सीन इज नॉट गिवन टू प्रिवेंट न्यूमोनिया तो यहाँ पे न्यूमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया जाता है न्यूमोकोकल वैक्सीन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट right आंसर है आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो पेड पी की वेबसाइट है ना ये लॉन्च हो गई है ये है डब्ल्यू 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 डॉट रवि बुक्स पी डी डॉट कॉम तो यहाँ पे आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की पी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी तो आप इस वेबसाइट से जाके उनको बाय कर सकते हैं साथ में फ्रेंड्स हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी आई क्यू तो यहाँ पर आप जाके डेली क्विजस को सॉल्व कर सकते हैं और अपने एग्जाम के प्रेपरेशन को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स हमारी जो पीडीएफ है यहाँ पे आपको काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, ये मिल जाएंगे काफी एफर्ट लगा के ये आपके लिए बनाई गई है तो काफी अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया गया है आप इसे वेबसाइट से जाके उन पी को बाय कर सकते हैं ओके okay, चलिए अगला क्वेश्चन काली खांसी इज कॉमन नेम ऑफ विच डिसीज तो यहाँ पे काली खांसी जो है ना फ्रेंड्स ये जो है ये अदर नेम है वूपिंग कफ का ठीक है तो वूपिंग कफ को ही काली खांसी तो साथ में पर्ट्यूसिस ठीक है तीनों एक ही के नाम है ये हंड्रेड डे कफ भी हम इसे कहते हैं इज अंटेजियस वैक्सीन प्रिवेंटेबल बैक्टीरियल डिसीज तो वैक्सीन से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है नेक्स्ट

वजह से होता है जब मर्क्यूरी के लेवल्स हाई होते हैं किसी भी फिशेज में जैसे आप देखिए अगर यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है यहाँ से जा रहा है पूरा जो भी मर्क्यूरी लेवल्स हैं ये पानी में और ये कंज्यूम करती हैं फिशेज और इन फिश को फिर ह्यूमन कंज्यूम करते हैं ठीक है थीके? तो इसकी वजह से होता है मीना माटा डिसीज नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इन्फेक्शन विथ एच फाइव एन वन लीड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिज तो यहाँ पे एच फाइव एन वन है ना इसके इन्फेक्शन से होता है बर्ड फ्लू राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अगला क्वेश्चन वन ऑफ दिस इज अ कम्युनिकेबल डिसीज तो यहाँ पे कम्युनिकेबल डिसीज इनमें से कौन सा है ये है डिप्थेरिया ठीक है तो फ्रेंड्स डायबिटीज आर्थराइटिस और कैंसर जो है ना ये कम्युनिकेबल नहीं है ठीक है बट डिप्थेरिया जो है ये कम्युनिकेबल है मतलब जिस पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो जाते हैं तो देखिए डिप्थेरिया ये बैक्टीरिया होता है जो स्प्रेड करता है पर्सन टू पर्सन यूजुअली थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स लाइक कफिंग और स्नीजिंग तो कफ और स्नीज से जो है डिप्थीरिया

तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर इन्फेक्शन द वायरस स्प्रेड थ्रू सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल तो, okay? तो यहाँ पे ये डिसीज जो है ना ये ह्यूमन को एनिमल से फैलती है तो ये वायरस पहले कोई भी एनिमल में होता है और उसके सलाइवा की वजह से ह्यूमन में स्प्रेड होता है चलिए अगला क्वेश्चन लॉक जॉ इज लास्ट फेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज तो लॉक जॉ इनमें से किस डिसीज का जो है लास्ट फेज होता है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेटनेस आगे बढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड तो देखिए मलेरिया तो होता है ड्यू टू मस्कीटोज है ना टेटनेस नहीं होता है ड्यू टू कंटामिनेटेड फूड और मम्स भी नहीं होता है बट टाइफॉइड जो है ना कंटामिनेटेड फूड से होता है वाटर से होता है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है तो फ्रेंड्स ये बैक्टीरियल डिसीज है ओके okay? जो होता है ड्यू टू बैक्टीरिया और कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ये फैलता है अगला क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफिशियंसी डिसीज तो मतलब कोई भी विटामिन के डिफिशियंसी से या किसी की भी कमी से डिसीज इनमें से कौन सा है तो फ्रेंड्स इसका राइट right आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी क्योंकि स्कर्वी जो है ना विटामिन सी की कमी से होता है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मम्स मम्स इज अ वायरल दैट दैट ऑफ ये एक वायरल है ये क्या कॉज करता है इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरेटेड ग्लैंड ये कॉज करता है देखिए फ्रेंड्स मम्स ये कंटाजियस डिसीज है जो कि वायरस की वजह से होता है और ये पैरेटेड सलाइवरी ग्लैंड को स्वेलिंग कराता है ओके अगला क्वेश्चन आपका रहेगा आगे बढ़ते हैं चलिए डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एट द जॉइंट्स इज कॉज ऑफ तो यहाँ पे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जब क्रिस्टल्सिट हो जाते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसके साथ देखिए गाउट जो कि एक टाइप होता है आर्थराइटिस का ये होता है ड्यू टू यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो कि यहाँ पे एकट हो जाता है डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट्स में ये एक इन्फ्लेमेशन

ठीक है तो कोलेरा एक वाटर बॉर्न डिसीज है आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन विच विटाम डिफिशियंसी कॉज हुआ है फ्रेंड्स एनीमिया है ना एनीमिया जो है ना ये होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चलिए आगे बढ़ेंगे काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय तो काला आजार जो है ये किस से ट्रांसमिट होता है ये सैंड फ्लाई से ट्रांसमिट होता है नेक्स्ट डीपीटी वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट डिसीज लाइक तो डीपीटी वैक्सीन जो होता है ये लिया जाता है फॉर डिप्थेरिया तो इसके नाम में ही ये लिखा है देख लीजिए डिप्थेरिया पट्यूसिस और टेटनस तो पट्यूसिस के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इसको हम वूपिंग कफ के नाम से भी जानते हैं ठीक है वूपिंग कफ या फिर पट्यूसिस और साथ में काला काली खांसी भी इसको ही हम कहते हैं ओके चलिए नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ह्यूमन डिसीजेज एंड दियर मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज करेक्ट तो यहाँ पे आपको बताना इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट यहाँ पे आपको बताना है कौन सा डिसीज और कॉजिटिव एजेंट यहाँ पे गलत है तो देखिये फ्रेंड्स एड्स ये होता है ड्यू टू वायरस एच आई वी वायरस की वजह से होता है तो ये यहाँ पे सही है एंथरेक्स ये बैक्टीरिया की वजह से होता है और एबोला वायरस की वजह से होता है बट एथलीट फूड जो है ना ये बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है तो एथलीट फूड जो होता है ये एक फंगल इंफेक्शन है ठीक है बैक्टीरिया नहीं फंगई की वजह से होता है राइट right? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा डिप्थेरिया कॉमनली अफेक्ट्स विथ एज ग्रुप तो डिप्थेरिया जिसके लिए अभी हमने डिस्कस किया डीपीटी वैक्सीन लिया जाता है डिप्थेरिया जो होता है ये एज ग्रुप जिसको ये अफेक्ट करता है ये है बिलो फाइव ईयर्स ऑप्शन नंबर बीस का करेक्ट आंसर है चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा इज़ तो फंगई की वजह से कौन सा डिसीज होता है इनमें से तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स जो फंगई की वजह से डिसीज होता है जैसे कि हमने डिस्कस किया था एथलीट्स फूट ठीक है ये होता है ड्यू टू फंगई इसके साथ साथ यहाँ पे डर्माटाइटिस जो है ना ये भी फंगाई की वजह से होता है तो अगर ऑप्शन में इन दोनों में कोई सा भी दिया हो तो वो इसका राइट आंसर है तो नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉस्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी में रतौंधी कहते हैं ये किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है तो ये होता है ड्यू टू तो द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तो साथ में यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे इन सबके केमिकल नेम भी तो देखिए विटामिन ए का जो केमिकल नेम है ये है रेटिनॉल ओके विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी के काफी सारे टाइप्स हैं जिसमें से राइबोफ्लेविन एक का केमिकल नेम है बी टू का ओके okay. नेक्स्ट बात करें बी थ्री तो इसका केमिकल नेम हो जाता है नियासिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बी ट्वेल्व जिसका यहाँ पे केमिकल नेम होता है सायनो राइट नेक्स्ट right? बात करें यहाँ पे विटामिन बी सिक्स की तो इसका होता है पायरीडोक्सिन तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बी के विटामिन के सब टाइप्स हैं जिसके केमिकल नेम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम है यह है एस्कॉर्बिक एसिड और फ्रेंड्स विटामिन ई e, इसका जो केमिकल नेम है ये है यह टोकोफेरॉल तो आपको ये सारे पॉइंट्स भी पे साथ में याद रखने हैं अगला क्वेश्चन विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द स्किन हेयर एंड नेल्स तो ऐसा कौन सा डिसीज है जो फंगल इन्फेक्शन है जो हेयर को नेल्स को और स्किन को अफेक्ट करता है तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एथलीट्स फूड ठीक है एथलीट्स फूड जो होता है ये कॉज करता है फंगल इंफेक्शन इन द स्किन हेयर एंड नेल्स। नेम द एंटीबायोटिक दैट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड तो टाइफॉइड को ट्रीट करने के लिए सबसे इफेक्टिव एंटीबायोटिक कौन सा है तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिप्रो एक्सिन नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू बेबी सिंड्रोम तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ये नाइट्रेट के वजह से होता है तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इसका राइट right आंसर है आगे बढ़ते हैं एलाइसा इज अ टेस्ट यूजफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग तो काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए एलाइसा ये एक टेस्ट है जो किया जाता है टू डिटरमाइन और टू डिटेक्ट एड्स राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी एड्स के डिटेक्शन के लिए यहाँ पे एलाइसा टेस्ट यूज किया जाता है साथ में विडाल टेस्ट एक हमने डिस्कस किया था ये टाइफॉइड के लिए किया जाता है ओके okay? साथ में देखिएगा यहाँ पे जो एलिजा है ना इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म है एनजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ए राइट चलिए अगला क्वेश्चन विच इज अ बैक्टीरियल डिसीज तो इनमें से कौन सा बैक्टीरियल डिसीज है बताना है आपको तो देखिए यहाँ पे जो है लेप्रोसी ये एक बैक्टीरियल डिसीज है पोलियो चिकन पॉक्स और इन्फ्लुएंजा ये सब बैक्टीरियल डिसीजे नहीं है आपका अगला क्वेश्चन रहेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉन्ड डिसीज तो इनमें से वाटर बॉर्न डिसीज है कुलेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ट्यूबोक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है मलेरिया प्रोटोजोन डिसीज है जो कि यहाँ पे किसकी वजह से होता है मस्कीटो की वजह से होता है फीमेल एनाफिलस की वजह से और चिकन पॉक्स भी वायरल डिसीज है ठीक है तो कोलेरा जो है यहाँ पे ये यह एक वाटर बॉर्न डिसीज है नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है द डिसीज कैरिंग एजेंट्स आर कॉल्ड तो ऐसे एजेंट्स जो तो डिसीज को कैरी करते हैं उनको क्या कहते हैं इन्हें कहा जाता है वेक्टर्स तो राइट right आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये यह हो गए आपके टॉप फिफ्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू डिसीजेस ये सारे एग्जाम्स के लिए आपके जो भी हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन तो यहाँ पे आयोडीन की कमी से कौन सा डिसीज होता है ये आपको हमें कमेंट करके बताना है और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इटाईटाई डिसीज तो इटाईटाई डिसीज जो है ये किसकी वजह से होता है ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ में फ्रेंड्स मैंने जैसे आपको बताया हमारे पेड पीडीएफ की वेबसाइट ये लॉन्च हो गई है ये है डब्ल्यू 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 डॉट रवि बुक्स पीडीएफ डॉट यहाँ से जाके आप रवि सर की जी के और करंट अफेयर्स की पी को बाय कर सकते हैं देखिए हाल ही में आपके लिए यहाँ पे जो जनवरी टू दिसंबर का ईयरली पीडीएफ होता है ये आपके लिए प्रोवाइड किया गया है इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पे आप पूरे ईयरली करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं साथ में हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी आई क्यू जी के ये आपको ईजिली प्ले स्टोर में मिल जाएगी यहाँ पे जाके आप डेली क्विजेस को सॉल्व कर सकते हैं राइट तो ये आप जाके जरूर इंस्टॉल करें ऑल राइट फ्रेंड्स तो ये हमारा आज का लास्ट स्लाइड है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू हैव अ नाइस डे